हाँ जी जोर से बोलो। सब पुरुष डॉट 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 भूल जाते बार बार। कोई बिरले हैं जो गणेश जैसे हैं और भूत ऊंट का ऊंट का पुरुषार्थ है मैदान में अच्छा होता है या रेगिस्तान में अच्छा होता है क्यों? रेगिस्तान में पानी नहीं मिलता होगा, बहुत पानी मिलता है और 6 महीने नहीं मिलता। ऊंट पानी को बहुत लंबे समय तक संचय करके रख सकता है। जैसे इस्लामी ऊंट के अंदर जो थैली होती है उसके पेट के अनुसार छोटी थैली होती है या बहुत बड़ी थैली होती है? छोटी ही थैली होती है, लेकिन वो उसको बड़ी किफायत से खर्च करता है। ये स्थूल जल की बात है या ज्ञान जल की बात है? ज्ञान जल की बात है। रेगिस्तान में उसका अच्छी दौड़ होती है, इसलिए उसको क्या कहा जाता है? रेगिस्तानी जहाज कहते हैं। और हाँ जी जगदम्बा रुद्रमाला का फर्स्ट मणका है या लास्ट मणका है? तो जो रुद्रमाला का फर्स्ट मणका होगा उसको फर्स्ट क्लास पुरुषार्थी मिलेगा या लास्ट वाला पुरुषार्थी मिलेगा? हैं? फर्स्ट क्लास मिलेगा। और जो लास्ट वाला मणका होगा उसको लास्ट वाला मिलेगा। है दोनों में विशेषता? फर्स्ट हो चाहे लास्ट हो, दोनों मणकों में ये विशेषता है कि जितना फर्स्ट मणका भगवान के नजदीक है, गॉड फादर के नजदीक है, उतना ही है लास्ट मणका भी गॉड फादर के नजदीक है। ये खासियत है। और सरकार शहर और हाथी को सुरक्षा करते हैं, हाथी और शेर सभी जानवरों की सुरक्षा कर रही है। शेर और हाथी और चीता की ज्यादा सुरक्षा हो रही है। हाँ जी
ब्राह्मणों की दुनिया में हाथी रूपी महारथियों की सुरक्षा होती है, और जो भारत का राष्ट्रीय पशु है उसकी भी सुरक्षा होती है। कौन है राष्ट्रीय पशु? हैं? टाइगर। टाइगर की बहुत सुरक्षा होती है, उनकी संख्या भी बहुत कम होती जा रही है। बाबा विलायत में भी यादगार है ना, तो बाबा विलायत में भी जाएंगे। अरे जब यादगार ऐसे ही थोड़ा ही बन गई, यादगार सेवा के आधार पर बनती है। विलायत में जाकर के सेवा की है तो यादगार बनी है। वैसे भी माँ घर संभालती है तो बाप बाहर संभालता है। जब विश्व का मालिक है तो विश्व को संभालने के लिए बाहर जाना जरूरी है या नहीं है? और माता तो भारत माता है, भारत माता भारत को संभालेगी या विश्व को संभालेगी? भारत माता को विश्व माता नहीं कहा जाता। और जब भारत माता मैदान में आते तब बाद में जाते हैं बाबा? हाँ जी, घर संभालने वाला तैयार हो गया, तो फिर घर में बैठना अच्छा है या बाहर देखना अच्छा है? घर में बैठना अच्छा है, है? हाँ, जब घर संभाल करने वाला तैयार हो गया तो घर में देखने की उतनी चिंता नहीं रहती है। हर कोई अपना कारोबार बढ़ाता है और बढ़ाने के लिए विस्तार करता है या संकुचित में संकोच में रहता है? विस्तार करता है। और बाबा लक्ष्मी नारायण के चित्र में एक अंज भूल दिया है, लक्ष्मी नारायण के चित्र में एक अंज भूल, वो लक्ष्मी नारायण के चित्र में क्यों दिया? क्योंकि लक्ष्मी नारायण का चित्र संपूर्ण है, विश्व का मालिक लक्ष्मी नारायण होते हैं, राधा कृष्ण विश्व के मालिक नहीं होते हैं। और उस भूल से सारे विश्व धर्मों का नुकसान हुआ है या सिर्फ भारतवासियों का नुकसान हुआ है? सारे विश्व धर्मों का नुकसान हुआ है। और हाँ नहीं खाते हैं हमारे रुद्रमाला के आत्मा वो भी वो आचार खाते हैं अभी भी जाने के बाद वो आचार छोड़ते नहीं है। क्या नहीं छोड़ते? ग्रहण छोड़ने के बाद नहा के फिर बाद में जो कुछ करते हैं वे स्थूल बातें हद की करते हैं कि बेहद की करते हैं? है? अभी भी ग्रहण के बेहद में लागू होती है, वो हद का भोजन है। जो ज्ञान में चलने वाले एडवांस वाले हद के भोजन को छोड़ते नहीं है, खा जाते हैं। छोड़ देते हैं कि खा जाते हैं? हैं? अरे खा जाते हैं, वो हद का भोजन है। और हमारी आत्मा का बेहद का भोजन है या हद का भोजन है?
हमारी आत्मा का है बेहद का भोजन, तो बेहद का भोजन है याद। अभी तक हमने जो याद की है, जब तक परमात्मा बाप प्रत्यक्ष नहीं हुआ, माया का ग्रहण परमात्मा बाप अथवा ज्ञान चंद्रमा के ऊपर लगा हुआ रहता है, तब तक हम विविचारी अन्न भी खाते रहे, ये बासी अन्न है। अन्न माने याद। जब बाप प्रत्यक्ष हो जाएगा, ज्ञान चंद्रमा माया के प्रभाव से मुक्त हो जाएगा, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दोनों ही मुक्त हो जाएंगे, तो हम फ्रेश भोजन करेंगे या बासी भोजन करेंगे? पुरानी दुनिया वालों से हमारा लोभ मोह लगाव अटैचमेंट खत्म हो जाएगा, या उन्हीं विविचारी यादों में मस्त रहेंगे? क्या करेंगे? विविचारी याद, विविचारी अटैचमेंट, सब खलास हो जाएगा। एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। हम भी अभी करना है, अभी करना चाहिए, करो ना, कौन मना करता है कि नाक रगड़ रहे हैं? जरूरी है बाबा, करना जरूरी है, करना है, करना है, करना है। तोता राम नल पे बैठा हुआ है लेकिन बोलता है सिर्फ, करता नहीं। करता नहीं। हाँ जी, परम धाम से सबसे पहले नारायण वाली आत्मा आती है, उसके बाद लक्ष्मी वाली आत्मा आती है, तो इन दोनों आत्माओं के बाद कौन सी कैटेगरी की आत्मा आती है? कौन बताएगा? सनातन धर्म की आत्माएं है। सनातन धर्म की आत्माएं आएगी। सनातन धर्म की आत्माएं आएंगी, माना देवी देवता धर्म की आत्माएं। हाँ हाँ, वो तो ठीक है, 9 लाख ही आवेंगे। हाँ, पहले पहले जिन्होंने सजाएं नहीं खाई है वो आवेंगे, या सजा खाने वाले आवेंगे? जिन्होंने सजाएं नहीं खाई है वो ही आवेंगे। सूर्यवंशियों के बाद रुद्रमाला में सूर्यवंशियों में जो 12 मणके हैं, उनमें सूर्यवंश के बाद दूसरा मणका कौन है? कौन है वो रुद्रमाला में दूसरा मणका? है काशी। तो काशी दूसरे नंबर का मणका है, तो उसका जो भी साथी होगा चंद्रवंश में वो आवेगा। ये 2 युगल पहले आवेंगे, एक के बाद एक। जो 5 तत्व हैं वो जड़त्वमयी बुद्धि वाले हैं,
यह चैतन्य है, है? उनकी बुद्धि भी जड़त्व में ही है। जो पंच विकार हैं, उनकी बुद्धि जड़ जड़ी भूत है या चल चलायमान है? जड़ी भूत है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये विदेशी हैं या स्वदेशी हैं? तो विदेशियों की बुद्धि जड़ी भूत है या चालू है? चालू है। तो ऐसे ही उनके जो चैतन्य स्वरूप मानिंदा आत्माएं हैं वो भी ज्यादा चैतन्य है, बजाय भारतवासी पंचभूतों के। भारत तो माता है, माता घर संभालती है और पिता बाहर संभालता है। ये पिता है जिसके लिए बोला गया है, बाप इस समय क्या बनकर के आए हैं? विदेशी बनकर के आए हैं। क्यों? किस लिए विदेशी बनकर आए हैं? हैं? स्वदेशी बनकर क्यों नहीं आए? हैं? अरे जगदम्बा स्वदेशी है या विदेशी है? विदेशी है। विदेश में जगदम्बा को मानते हैं? है? नहीं मानते। भारत में ही जगदम्बा की मान्यता है। तो जगदम्बा पृथ्वी है कि कोई दूसरा तत्व है? पृथ्वी मुख्य तत्व है। मुख्य तत्व क्यों है? है? मनुष्य आत्माओं के लिए मुख्य तत्व पृथ्वी क्यों है? आकाश मुख्य है, तो जाओ आकाश में रहो जाके। है? पृथ्वी आधार है, तो पृथ्वी मुख्य तत्व है। पांचों मुख्य तत्वों में से मुख्य तत्व है पृथ्वी। और जब नई सृष्टि आरंभ होती है तो विदेशों में पृथ्वी होती है या भारत में पृथ्वी होती है? भारत में ही पृथ्वी होती है। तो पृथ्वी भी एक देवता है, धरणी माता किसे कहते हैं। ऐसे ही और चार तत्व हैं, वो जड़त्वमय हैं। इसलिए लौकिक दुनिया में कहते भी हैं कि औरतों की बुद्धि कहाँ होती है? है? पीछे होती है। खोपड़ी का जो पिछला हिस्सा है ना, उसमें बुद्धि होती है। ये ग्लानी कर दी है। वास्तव में जो पृथ्वी माता है उसका ही एक हिस्सा है भारत माता। भारत माता उसके साथ भाग्य विधाता जुटा हुआ है। भारत माता शिव शक्ति अवतार कहा जाता है। जगदम्बा के लिए नहीं कहते हैं शिव शक्ति अवतार, किसके लिए कहा जाता है? भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है। तो पांच तत्व देवता का रूप है,
परंतु जड़त्व में ही बुद्धि होने के कारण रावण इनको अपने कंट्रोल में कर लेता है। इसलिए शास्त्रों में लिखा हुआ है कि रावण ने पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश इन पांचों देवताओं को अपनी चारपाई की पाटी से बांधा हुआ था, पड़े पड़े इशारा देता था वायुदेव अपना काम करो, वायुदेव फर फर करके हवा फेंकने लगते। चारपाई पे बैठे बैठे बटन दबाया और कमरे का वातावरण गर्म होने लगा, ठंडा होने लगा, जैसा चाहे वैसा वातावरण करके कमरे का बना ले। अग्निदेव को एक ही इशारा काफी उंगली का, ऐसा अग्नि को बांध रखा था, ऐसा वायु को बांध रखा था, ऐसे जल को बांध रखा था। ये पांच देवताएं अच्छी तरह से रावण के बंधन में बांधे हुए थे। तो ये पंचभूत भारतवासी हैं, मूल रूप में ये विदेशी हैं, भारतवासी हैं। बाबा वार्तालाप में बोले हैं कि ब्रह्मा को पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं है, है? कोई मुरली में बोला है, कोई क्लेरिफिकेशन में ऐसा बोला है कि ब्रह्मा को पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं है? क्या ब्रह्मा पुरुष नहीं है? है? शरीर रूपी पुरी में शयन करने वाला नहीं है? तो जो शरीर रूपी पुरी में शयन करने वाला है वही पुरुष है, और पुरुष है सूक्ष्म या स्थूल पुरुषार्थ तो करेगा ना। जिनको स्थूल शरीर है वो स्थूल पुरुषार्थ करते हैं, सूक्ष्म भी करते हैं। जिनको स्थूल शरीर नहीं है वो कैसा पुरुषार्थ करेंगे? है? सूक्ष्म पुरुषार्थ करेंगे। तो ब्रह्मा को स्थूल शरीर नहीं है, सूक्ष्म शरीर तो है, है या नहीं? तो सूक्ष्म पुरुषार्थ कर सकता है याद का या नहीं कर सकता है? कर सकता है। ये बात तो रांग है कि ब्रह्मा को पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं है। ब्रह्मा का सिर्फ यही पुरुषार्थ रहा हुआ है। क्या क्या पुरुषार्थ रहा हुआ है? गीता के भगवान को जानना और उसे याद करना। चंद्रमा में भारी भारी गड्ढे हैं, दिखाई देते हैं कि नहीं? हैं? अरे चंद्रमा में जो बड़े बड़े गड्ढे हैं, होल हैं, वो दिखाई देते हैं या नहीं दिखाई देते हैं? हैं? दिखाई देते हैं दंतों के रूप में, वो काले काले जो धब्बे दिखाई देते हैं वो गड्ढे हैं, बड़े बड़े भयंकर भयंकर गड्ढे। का मतलब क्या होता है? हैं? और पहाड़ का मतलब क्या होता है? पहाड़ माने ऊंचाइयां और गड्ढा माने
नीचाइयां, तो नीचाइयां की बात अच्छी है या ऊंचाई की बात अच्छी है? गड्ढे होना खराब बात है? खराब काम किया है, इसकी यादगार है गड्ढे। इतने गहरे गहरे गड्ढे हैं, जैसे सागर में भयंकर भयंकर गड्ढे हैं। सागर की गहराइयों का किसी ने पता लगा पाया है? नहीं, परंतु चंद्रमा की गहराई का पता लगा लिया। इसका बेहद का अर्थ क्या हुआ है कि चंद्रमा में गुप्त कमजोरियां बहुत हैं। चंद्रमा में गुप्त कमजोरियां बहुत हैं। क्यों है? ज्ञान की पहचान न होने के कारण, भगवान बाप की पहचान न होने के कारण वो कमजोरियों का भंडार रह गया। यज्ञोपवीत को सिर्फ पुरुष ही पहनते हैं, स्त्रियां नहीं पहनती हैं। इसका बेहद में अर्थ क्या है? है? ऐसा क्यों है कि पुरुष ही यज्ञोपवीत पहनते हैं? है? अरे संसार की अव्वल नंबर स्त्री कौन है? स्त्री स्वभाव संस्कार को धारण करने वाली अव्वल नंबर वन स्त्री कौन है? है? लक्ष्मी। लक्ष्मी की बुद्धि में ज्ञान के वो तीन सूत्र कौन से हैं जो ब्रह्मा विष्णु शंकर को डिक्लेयर करते हैं? ये ज्ञान, एडवांस ज्ञान लक्ष्मी की बुद्धि में है? है? नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने एडवांस के वो ज्ञान के तीन धागे पहने ही नहीं है। लक्ष्मी का यज्ञोपवीत संस्कार नहीं होता है, और नारायण का यज्ञोपवीत संस्कार होता है। शंकर को भी क्या दिखाते हैं? यज्ञोपवीत दिखाते हैं। इससे साबित होता है कि संसार की जो अव्वल नंबर स्त्री है, उसी स्त्री को सब कन्या माताओं ने संस्कार को धारण किया हुआ है। ये ज्ञान की गहराई में जाना ये पुरुषों का काम है, और धारणा की गहराई में जाना कन्याओं माताओं का काम है। और हाँ, क्या झगड़ा होता है? है? कौन सा डैम है?
वो डैम टूटने वाला है क्या? नहीं, वो जो डैम जिसको एक स्टेट कहता है कि तोड़ना चाहिए, एक कहता है नहीं बनाना चाहिए, तो कौन कौन सा किसका किसका झगड़ा है? केरला और तमिलनाडु का झगड़ा है। तमिलनाडु क्या कहता है? हैं? उसको छेड़ो मत, ज्यों का त्यों रहने दो। और केरला क्या कहता है? हैं? अच्छा, पुराने डैम को तोड़ दिया जाए और नया बनाया जाए। क्या केरला वालों को आशंका है कि वो डैम टूटने वाला है? हैं? उसमें तरेड़ा आ गई क्या? वो लोग समझ गए, वो नेता लोग उनको वो डैम पहाड़ पर है या मैदान में है? वो डैम टूटेगा तो ज्यादा नुकसान किसको होगा? है? तमिलनाडु को नुकसान होगा। तमिलनाडु को तो तोड़ने की सहमति देनी चाहिए। अगर वो खुदा न खास्ता डैम टूट गया तो ज्यादा नुकसान तो तमिलनाडु को होगा ना, तो केरला वालों की बात मान लेनी चाहिए। केरला वालों का ज्यादा नुकसान हो जाएगा। अभी कह रहे तमिलनाडु वालों का ज्यादा नुकसान होगा। पहले पूरी बात समझो क्या है चक्कर। हाँ, और रशिया में हुआ। हाँ, संस्था है भगवद गीता को जाति मत लिंग भेद को बढ़ाने वाला ग्रंथ है और हिंसा को बढ़ाने वाला ग्रंथ है, ऐसा समझ करके उसको बंद करने के लिए कोर्ट को गए थे रशिया में। हाँ, तो उसका भेद में हुआ क्या? जो रूस की गवर्नमेंट है वो नास्तिक गवर्नमेंट है या आस्तिक गवर्नमेंट है? जो नास्तिक गवर्नमेंट वाले हैं वो 100% आस्तिक गवर्नमेंट के धर्म ग्रंथ को तोड़ फोड़ करना चाहेंगे या बना रहना जाना चाहेंगे? तोड़ फोड़ कर रहे हैं। यही तो बात बताई। हाँ जी, अभी उतर रही हो सत्व प्रधान है। अभी जो उतर रही हैं उनको सत्व प्रधान कहेंगे या तमो प्रधान कहेंगे? है? परम धाम से। परम धाम सत्य धाम कहा जाता है। सत्य धाम से जो भी आत्माएं उतरती हैं वो सच्ची आत्माएं उतरती हैं, परिष्कृत हुई आत्माएं उतरती हैं या तमो प्रधान आत्माएं उतरती हैं? धर्मराज की सजाएं खा करके जाती हैं, पवित्र होकर के जाती हैं या अपवित्र होकर जाती हैं? तो जब पवित्र होकर के जाती हैं तो अपवित्र आत्माएं क्यों उतरेंगी? लास्ट आत्मा भी जो उतरेगी सन 36 में,
वो भी कैसी होगी? पहले सतो प्रधान होगी, थोड़े ही टाइम में तमो प्रधान बन जाएगी। जैसे पतंगे ओम शांति। बाबा मुस्लिम ज्योति स्वरूप को मानता है, हाँ, याद करता है वो मस्जिद में, हाँ, तो उनका बाप का वर्षा जो नेहरू था वो एक ही याद करता है ना, है? वो एक ही की याद करता है। एक कौन है? ज्योति स्वरूप को। आप भी तो ज्योति स्वरूप है, आपकी आंख में से ज्योति नहीं निकल रही है? अरे आपकी आंख में से ज्योति निकल रही कि नहीं? तो आप भी तो ज्योति हैं। वो एक ज्योति कौन सी? तो नहीं पहचानते हैं, तभी तो कहते हैं हम ये एक ज्योति को मानते हैं। ज्योति ज्योति में समाया, हिंदुओं में भी कहते हैं, बौद्धियों में भी कहते हैं, महात्मा बुद्ध की आत्मा ज्योति ज्योति में समा गई। लेकिन वो ज्योति कौन सी है जिस ज्योति में समा गई, वो तो क्लैरिफाई करो। डेफिनेशन चाहिए ना, वो ज्योति कौन सी? और बाबा कभी भी ये कैसेट में सुनते हैं तो आप जैसे कहते हैं महात्मा बुद्ध कहते हैं और इब्राहिम को कोई महात्मा ऐसे लगाते नहीं, इसका वजह क्या है? महान आत्माएं भारत में होती हैं या विदेशों में होती हैं? वही कारण है। हाँ, महान आत्माएं दाई ओर होंगी, दाई साइड के होंगे या बाम मार्गी होंगे? दाई साइड के हैं, इसलिए वो महात्मा है। महात्मा शंकराचार्य, महात्मा बुद्ध है। गुरु नानक भी महात्मा है। क्राइस्ट को महात्मा थोड़े ही कहा जाता है। बाबा शिव आदि में पहले जगदम्बा में प्रवेश हुआ था, लेकिन जगदम्बा नाश मणका होता है, क्या हुआ? पहले जगदम्बा में शिव प्रवेश होता है आदि में, पहले आदि ब्रह्म होता है। जब बच्चा पैदा होता है, ये सृष्टि रूपी बच्चा की पैदाइश करनी है, नई सृष्टि की पैदाइश करनी है, फाउंडेशन लगना है, तो पहले माँ बच्चा पैदा करती है कि बाप बच्चा पैदा करता है? रुक जाओ, पूछ लेने दो। हम जो पूछ रहे हैं उसका जवाब दो पहले, लौकिक में। लौकिक में हद में जब पैदाइश होती है तो माँ पैदाइश करती है या बाप पैदाइश करता है? कौन पहले पैदाइश करता है? माँ करती है। अम्मा से पूछना अपनी से, पहल किसने कौन की, किसने की, तो फिर कौन हुआ पहले? पहले बाप हुआ, पहले माँ हुई? पहल कौन करता है? शिव जगदम्बा में प्रवेश करता है। शिव के तो दोनों ही रूप हैं, तुम्हें वह माता, तू ही माता है, तू ही पिता है, वो तो दोनों है। हाँ, लेकिन संकल्प का बीज डालने वाला कौन है? ब्रह्मा के संकल्प से सृष्टि रची, वो ब्रह्मा कौन है? आदि ब्रह्मा। बाप में पहले प्रवेश करे या माँ में पहले प्रवेश करे या दोनों इकट्ठे हो तब सृष्टि होती है। अरे दोनों इकट्ठे होंगे तो सृष्टि होगी, एक होगा एक नहीं होगा तो सृष्टि नहीं होगी। तो आगे पीछे की बात नहीं है, दोनों में एक साथ प्रवेश किया, एक में सुनने सुनाने के लिए प्रवेश किया और दूसरे में समझने और समझाने के लिए प्रवेश किया। ये नहीं कहेंगे कि एक में पहले प्रवेश किया दूसरे में बाद में प्रवेश किया।
हाँ एडवांस में जिन्होंने लिटरेचर बनाए हैं उन लिटरेचर बनाने वालों ने गलती कर दी है कहीं, जो पढ़ पढ़ के ये गलतियां धारण किए है बैठे हैं कि माँ पहले है और बाप बाद में है। ऐसा लिटरेचर तो बेजरेंट है, ऐसा लिटरेचर पुस्तक बेजरेंट है, ऐसा श्रीमत है क्या बेचने लिटरेचर बेचने वाले? श्रीमत न भी हो तो भी बेचने वाले बेचते हैं, बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? अभी रामराज्य आ गया या प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य ही चल रहा है? रामराज आ गया, राम का राज्य पहले अपनी घरवाली के ऊपर तो हो जाए। और ब्रह्म बाबा पे तो साक्षात्कार हुआ, वो पहले जगदम्ब को सुनाता है ना, है पहले वो माता बाबा को सुनाता है ना, ठीक है साक्षात्कार की बातें जो वो आकर के वो प्रजा प्रजा को सुनाता है ना, वो हिसाब से वो वहाँ पहले आया था वो? नहीं, ये कोई साक्षात्कार सुनाना शिव बाबा का प्रवेश करना हो गया। आप साक्षात्कार सुनाने की बात को शिव बाबा के प्रवेश करने के बराबर समझते हैं? फिर माता प्रजा पिता को सुनाता है ना? सुनाना और प्रवेश करना अलग अलग बातें हैं या एक ही बात है? अलग अलग बातें हैं। हाँ ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार हुआ लेकिन उन्होंने नहीं सुनाया। हाँ हाँ जब साक्षात्कार हुआ तो मुरली में क्या बाबा बोलते हैं पहले सूक्ष्म स्वरूप करके बाद में ब्रह्मा शंकर को रखते हैं कहते क्या? पहले पहले सूक्ष्म रचा करके बाद में ब्रह्मा शंकर को रचाते हैं ऐसा बाबा कहते हैं। जो ब्रह्मा बाबा को पहले साक्षात्कार हुआ तो उसको सूक्ष्म शुरू किया ये ऐसे थोड़े ही कह सकते हैं क्या? ब्रह्मा बाबा से पहले सूक्ष्म बताना ऐसे नहीं हुआ था? पहले क्या रैदास को तुलसीदास को रूबी में मीरा को और सूरदास को साक्षात्कार नहीं हुए थे? भक्ति मार्ग हो गया। अच्छा भक्ति मार्ग का सूक्ष्म बताना अलग और ज्ञान मार्ग का सूक्ष्म बताना अलग। वाह तब तो बात नहीं थे ना। ये क्या बात, हम सूक्ष्म बतन होने की बात है। सूक्ष्म बतन में साक्षात्कार होता है तो सूक्ष्म बतन कलयुग में नहीं था क्या? द्वापर में सूक्ष्म बतन नहीं था क्या? बाबा जो कहते हैं उसका अर्थ ये समझना है कि सूक्ष्म विचारों में रमण करने की बात है। सूक्ष्म विचारों में रमण करना ये यज्ञ के आदि से ही शुरू हो गया, संगम में ही। यज्ञ के आदि में ही गीता का क्लेरिफिकेशन देना शुरू कर दिया था। वो गीता का जो क्लेरिफिकेशन था वो ही मनन चिंतन मंथन था। जो आदि में सो अंत में। तो जो ब्रह्मा बाबा का साक्षात्कार सूक्ष्म नहीं गए है, ब्रह्मा बाबा का जो साक्षात्कार हुआ हाँ उसको सूक्ष्म बतन ऐसा ही सूक्ष्म बतन है जैसे तुलसीदास मीरा और रैदास का भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग ही तो है, उसमें ज्ञान का पुट था क्या? शिवो हम शिवो हम शिवो हम, ये ज्ञान मार्ग हुआ या भक्ति मार्ग हुआ? है हाँ? बाबा याद से निरोगी काया मिलता है ये बोलते तो मूल्य में है हाँ? और यहाँ भी हमने सुना है कि जैसे आपकी याद मतलब आत्मा सीखी होती जाएगी, आपकी याद और बाप की याद और आप ये आप क्या मतलब ये याद जैसे तीखी होती जाएगी हाँ। आत्मा पावरफुल होती जाएगी और शरीर छड़ सड़ते जाएंगे हाँ। तो वो दोनों अपोजिट हो गया क्यों? कि यहाँ पर शरीर मतलब निरोगी काया और वो सड़ते जाना। आत्मा जब नई बनेगी तो शरीर भी नया होना चाहिए या पुराना होना चाहिए? एवरीथिंग न्यू, एक एक अणु अणु न्यू होना चाहिए।
ये भी जरूर है कि जैसे जैसे हम निरोगी बनते जाएंगे, इससे साबित होगा कि हम आत्मिक स्थिति में टिकते जा रहे हैं। और निरोगी एकदम नहीं बनेंगे, अति होगी, फिर अति के बाद अंत होगा। इसलिए बोला शरीर सड़ते जावेंगे और आत्मा पावरफुल होती जावेगी। और बाबा वो गीता का कैद कितना क्यों माने अलग अलग है, आदि में जो गीता का क्लैरिफिकेशन और जो गीता का क्लैरिफिकेशन था वो ही प्यू की वाणी थी। प्यू मेरे दोनों अलग अलग है। जो प्यू की वाणी थी वो ही गीता का क्लैरिफिकेशन था। और बाबा बाप अकेला वो कर सभी अंधकार में वो ने को महाशिवरात्रि कहते हैं। बाप अकेला वो कर सभी अंधकार में वो ने समय महाशिवरात्रि कहते हैं। बाप अकेला वो कर फिर सभी आत्माएं अंधकार में जाता है उसको महाशिवरात्रि कहते हैं। बाप अकेला क्या होकर सब लोग मत बोलो। हाँ बाप एक तरह सारी दुनिया एक तरफ हो जाता है, सारी दुनिया अंधकार में होता है, तब उसको महाशिवरात्रि कहते हैं। सारी दुनिया एक तरफ और बाप एक तरफ, सारी दुनिया कुछ और कहे और बाप बाप का मंतव्य भी कुछ और कहे। कितना समय चलता है ये महाशिवरात्रि अंधकार समय कितना समय चलता है? बच्चे को पैदा होने में कितना समय लगता है? सूर्य को उदय होने में कितना समय लगता है? सूर्य उदय होता है तो एक लाल 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 लीक निकलती है, उसमें कितना समय लगता है? टाइम लगता है? कोई टाइम ज्यादा तो नहीं लगता। और गणेश जी को विघ्नेश्वर सिद्धि विनायक कहते हैं है। खराब क्या है? विघ्न विनाश नहीं होते हैं। गणेश जी का पैदा होना, गणेश जी का प्रत्यक्ष होना, ये संसार में सबको पता चल जाए कि गणेश कौन है। जो देखे जो जाने जो सुने वो मान ले यही गणेश है, तो किसकी प्रत्यक्षता हो जाएगी? कौन सी आत्मा की प्रत्यक्षता हुई? अरे ब्रह्मा की प्रत्यक्षता हो गई। स्पेशल बात क्लियर हो गई कि उनके प्रत्यक्ष होते ही, उनके जन्म लेते ही सब प्रकार के यज्ञ के विघ्न खलास हो जाएंगे। है पहले गणेश की पूजा। और बाबा 16108 सभी कन्या माता होता है या आत्मिक स्थिति की बात है, स्त्री और पुरुष चोले की बात नहीं है। जो आत्मिक स्थिति पहले धारण कर ले फिर भक्ति मार्ग में जाकर उनके साथ दो भी यही दिक्कत है। भक्ति मार्ग में एक एक बार कहते हैं गोपिया, फिर भी ज्यादा तरह गोपियों को दिखाते। क्या दिखाते? ज्यादा गोपी गोपी कहते हैं और गोवा गोवा कहते हैं गोप गोप नहीं दिखाते हैं ना। गोप नहीं दिखाते हैं भक्ति मार्ग में? आपने देखा ही नहीं टीवी में, तो कम से कम देख लो ध्यान से कि गोपों का ग्रुप दिखाया जाता है कि नहीं दिखाते हैं। जैसे हाँ तो यहाँ भी तुम्हें प्रैक्टिकल में दिखाई नहीं पड़ रहा है? यहाँ भी प्रैक्टिकल में ज्यादा संख्या किसकी होती है? ऑल इंडिया में जहाँ कहीं भी बेसिक में चाहे एडवांस में ज्यादा गैदरिंग किसकी होती है? माताओं कन्याओं की। बाबा आदि में जगदाम्बा और जगत पिता में शिव प्रवेश कर
कर दिया। छोटी माँ में और बोमरा जय मम्मा में कब प्रवेश किया? प्रवेश करने का प्रूफ क्या वाचा से ही आता है? प्रैक्टिकल कर्म इंद्रियों में अगर ज्ञान समा गया हो उसे प्रवेशता नहीं कहेंगे। प्रैक्टिकल कर्म करना ज्यादा श्रेष्ठ है या वाचा से बोल बोल करना ज्यादा श्रेष्ठ है? तो उसे भगवान नहीं मानेंगे। करण करावन हार कौन है? विष्णु का पार्ट बजाने वाला कौन है? ब्रह्मा का पार्ट बजाने वाला कौन है? ब्रह्मा के अंदर जो सहनशीलता देखी गई वो सहनशीलता कृष्ण वाली आत्मा की सहनशीलता है या शिव ने वो सहनशीलता करके दिखाई? शिव ने दिखाई। अगर ब्रह्मा की ही सहनशीलता होती तो पहले भी 63 जन्मों में वो सहनशीलता देखने में आनी चाहिए। और पहले सहनशील नहीं थे ब्रह्मा जो दादा लेखराज थे उसमें सहनशीलता नहीं था क्या? 63 जन्मों में हम पहले की बात कर रहे हैं, 63 जन्मों की बात कर रहे हैं। हाँ इस जन्म में, इस जन्म में पहले जब बाबा ने प्रवेश सन 36 से पहले सन 34-35 में उनमें सहनशीलता थी इतनी जो सारी दुनिया को सभी को अपने अंदर समा सके। और बाबा ब्रह्मा संचय तो आपको पहले नहीं किया था वो चंदन जी का हेड कैसे बन जाता है? हाँ बोलो। वो दूसरे है अगर ब्रह्मा ने सहनशीलता नहीं था तो चंद्रवंश का मुखिया कैसे बनता? चंद्रवंश का मुखिया कैसे बनता? सहनशीलता होती है और आत्माओं के मुकाबले जाती होती है, लेकिन इतनी सहनशीलता नहीं होती है जो सारी दुनिया को अपने पेट में संभाले, ब्रह्म तत्व बन जाए। ब्रह्मा माने कैसा तत्व? ब्रह्म तत्व बन जाए, उसका बुद्ध रूपी पेट में सारी दुनिया समा जाए, ऐसी 100% सहनशीलता नहीं होती है औरों के मुकाबले जास्ती सहनशीलता है। लेकिन नई दुनिया की रचना कब होगी? 100% सहनशीलता से नई दुनिया की रचना होगी या परसेंटेज कम रहे तो भी हो जाएगी? 100% सहनशीलता चाहिए। और बाबा सभी आत्मा बेहद का पाप से नहीं पड़ते हैं, लेकिन सभी आत्मा पाप के साथ वापस जाते हैं। हाँ ठीक है, जाते तो हैं, लेकिन साथ साथ जाते हैं कि आगे पीछे जाते हैं? तो साथ साथ जाने वाले कितने हैं? जो पढ़ते हैं तो सारे साथ साथ जाते हैं, न पढ़ने वाले उनके पीछे पीछे जाते हैं। और एक सैटेलाइट फोटो भेज दिया और एक भूमंडल मिल गया, एक सैटेलाइट से हमारा साइंटिस्ट लोग भेज दिया। सोलर सिस्टम से अलग और एक धरती, धरती जैसा ही और एक ग्रह है। तुंडे तुंडे मत रे बिन्ना, ठीक है मिल गया, ये सैटेलाइट में फोटोज भेज दिया था इसका, ऐसा बोलता है जाके रह सकते हैं। तुंडे तुंडे मतिर भिन्ना वो भी देखो। हाँ बाबा वेद का उषा क्यों? सूर्य जब निकलता है तो सूर्य से निकलने वाली पहले पहले जो लालिमा निकलती है, लाल लाल वातावरण देखने में आता है सूर्य निकलने से पहले। सूर्य गोल गोल
बाद में देखने में आएगा, लेकिन उससे पहले क्या देखने में आती है? लाल 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 लालिमा, वही उषा है। उससे भी पहले क्या है? है ना, लाल लाल जो लालिमा निकलती है, उस जब लालिमा नहीं निकली हुई होती है तो उससे पहले क्या होती है? काल रात्रि, वो है महाकाली। जब राम की बारात निकालते हैं तो आगे आगे चलती है महाकाली। तो लालिमा कौन? छोटी माँ। विजय माला का आना और खेल खेल खलास हो जाना, बाप की प्रत्यक्षता हो जाना। प्योरिटी बाप को प्रत्यक्ष करेगी या ये भागदौड़ प्रत्यक्ष करेगी? प्योरिटी ही प्रत्यक्ष करेगी। भाई रामायण में सीता को इतना दुख सहन करते हुए, कौन सी सीता ने दुख सहन किया? नकली सीता ने दुख सहन किया या असली सीता ने दुख सहन किया? है सीता एक है या दो हैं? दो हैं सीता है। असली सीता को तो बोल दिया रामायण में ही, तुम पाप कमय करो निवासा, जब लगे करो निशाचर नासा, तुम योगाग्नि में निवास करो, तब तक मैं निशाचरों का नाश करता हूं। बाकी दूसरी मूर्ति बना दी सोने की, उसको रावण उठा ले गया। तो जड़ तुम्हें ही सीता हुई, वो चैतन्य सीता है। और बाबा छोटी माँ को आना और ब्रह्मा बाबा की प्रत्यक्षता होना, दोनों ये साथ साथ चले गए। छोटी माँ का आना माने बाप को प्रत्यक्ष करना, पियर कुल का भी उद्धार और ससुर कुल का भी उद्धार। तो ब्रह्मात्मा भी प्रत्यक्ष के साथ साथ चलेगा? बिल्कुल, बाप को प्रत्यक्ष नहीं करेगी बच्ची, बाप को भी प्रत्यक्ष करेगी। और बेर का गिलवाई कौन है? बेर का रमेश कौन है? बेहद का निर्वैर कौन है? बेहद का ब्रजमोहन कौन है? तीन ही तो हैं, है ब्रजमोहन भी है तो रमेश भी है तो निर्वैर भी है। और